अब डीसी की नई स्ट्रीमिंग सर्विस आ रही है, उसका तो यकीनन आप सबको आइडिया होगा, और उसमें उनके 5 एक्सक्लूसिव सीरीज आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले है टाइटन, फिर उसके बाद डूम पेट्रोल, स्वाम्प थिंग, हार्ली क्विन, और इसके अलावा है यहाँ पर यंग जस्टिस। लेकिन इनमें से जो टाइटन सीरीज है, ये लोगों को लग रहा है कि शायद रिसेंटली स्टार्ट हुई है प्रोडक्शन, लेकिन इसका आइडिया और इसकी प्रोडक्शन 2014 से स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन तब ये एक TNT टीवी चैनल के लिए बन रहा था, लेकिन फिर 2016 में जाकर जब TNT के साथ इनका कुछ मसला हुआ तो ये ड्रॉप कर दिया उन्होंने आइडिया। लेकिन फिर जब उन्होंने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस बनाने का सोचा तो उन्होंने दोबारा इस आइडिया को रिवाइव किया। तो 2017 में वो ये दोबारा अपना आइडिया लेकर आए कि 2018 में जो हमारी स्ट्रीमिंग सर्विस आ रही है, हम उस पर इसको एक्सक्लूसिव डालेंगे। और जिन्होंने ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज देखी हुई है टीन टाइटन्स की, वो तो काफी एक्साइटेड होंगे इस सीरीज को देखने के लिए जो लाइव एक्शन है। लेकिन जो टीन टाइटन गो देख के आ रहे हैं कार्टून नेटवर्क पर, मुझे नहीं पता कि वो कितने एक्साइटेड होंगे। मुझे याद है आज भी वो कार्टून नेटवर्क पर लगा करती थी ये एनिमेटेड सीरीज, और बड़े शौक से देखा करते थे। और मजे की बात है कि ये लगा भी हिंदी में करती थी, और इसका जो इंट्रो था मैं कहता हूँ वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दिखा देता हूँ ताकि जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी वो भी थोड़े से एक्साइटेड हो सके इस टीवी सीरीज के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें हमें करेक्टर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो जो टीन टाइटन्स के ओरिजिनल करेक्टर्स हैं वो तो हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे, जैसे रॉबिन वो भी होगा, इसके अलावा रेवन, स्टारफायर, बीस्ट बॉय, लेकिन साइबोर्ग यहाँ पर नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि साइबोर्ग हमें डूम पेट्रोल में शायद देखने को मिले, जो कि टीन टाइटन्स का ही एक स्पिन ऑफ है, और वो भी डीसी की स्ट्रीमिंग सर्विस पर ही मिल जाएगा हमें। इन करेक्टर्स के अलावा वहाँ पर हमें हॉक और डव, ये दो करेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, और सुनने में आया है कि वंडर गर्ल और कॉनर भी हमें शायद देखने को मिले, यानी कि सुपर बॉय। और इस सीरीज की जो प्रोडक्शन है उसकी सेट फोटोज में हमें बैटमैन का जो बैट सिग्नल है वो भी देखने को मिला है, तो क्या पता एक वक्त में ये हमें बैटमैन भी दिखा दें इस सीरीज में, या फिर ऐसा हो कि डिक ग्रेसन के जो है ख्वाबों में या उसके मेमोरीज में हमें दिखाएं कि बैटमैन कैसा था और कौन था, कि जब उसे ब्रूस वेन ने अडॉप्ट किया था तब वो कैसा था, तो शायद हमें थोड़ा सा बैटमैन की भी झलक देखने को मिल जाए। इसके अलावा 2-3 महीने पहले हमें और भी सेट फोटोज देखने को मिली थी, जिनमें हमें स्टारफायर का कॉस्ट्यूम और बीस्ट बॉय का कॉस्ट्यूम देखने को मिला था, और यकीन करें कि जितने भी टीन टाइटन्स के फैन थे वो सारे के सारे डिसअपॉइंट हुए थे उन सेट फोटोज को देख के, कि स्टारफायर का कॉस्ट्यूम इतना कोई फारिक किस्म का था ना, आपकी सोच है। लेकिन फिर कल जब उन्होंने रॉबिन का कॉस्ट्यूम की जो है एक ऑफिशियल फोटो अपलोड की है, उससे तो ये पता लग रहा है कि उम्मीद तो है कि कॉस्ट्यूम काफी अच्छे होंगे। अब अगर मैं बात करूं इस टीवी सीरीज की स्टोरी की, तो जो इसके ऑफिशियल सिनॉप्सिस हैं उससे तो हमें यही देखने को पता चल रहा है कि इस सीरीज की जो स्टोरी होगी वो रेवन के अराउंड घूमेगी, और इसके मेन विलन में से एक ट्राइगन होगा। और जो मेरी इनजस्टिस सीरीज को फॉलो करते रहे हैं तो उनको पता है कि ट्राइगन कौन होगा, वो बेसिकली रेवन का फादर है। अब वो रेवन का फादर कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है ट्राइगन। अब अगर आपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 देखी होगी, उसमें अगर आपको याद हो तो ईगो का क्या काम था कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाता, वहां पर बच्चे पैदा करता और बाद में उस प्लैनेट पर कंट्रोल करने की कोशिश करता, तो ट्राइगन का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाता है, वहां पर अपने डीमन बच्चे छोड़ता है ताकि वो उस पूरे प्लैनेट पर कब्जा कर सके, और रेवन का भी कुछ यही हिसाब था। लेकिन बाद में जो रेवन है वो उसकी बागी हो गई और ट्राइगन उसका बड़ा दुश्मन बन गया। तो उम्मीद है कि हमें इस टीवी सीरीज में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी कि रेवन बाकी लोगों को इकट्ठा करेगी ट्राइगन के खिलाफ लड़ने के लिए, और डिक ग्रेसन जो होगा वो उनका लीडर बन जाएगा, और फिर इस पूरी टीम का नाम वो टीन टाइटन्स रख देंगे। अब अगर मैं बात करूं इस टीवी सीरीज के एपिसोड्स की, तो इतना तो कंफर्म नहीं है कि इसमें कितने एपिसोड्स होंगे, लेकिन इसके जो पहले 9 एपिसोड्स हैं उनके टाइटल रिलीज हो चुके हैं, तो मैं आपको सबके नाम एक दफा पढ़ देता हूँ। पहले एपिसोड का नाम है टाइटन्स, दूसरे का नाम है हॉक एंड डव, तीसरे का नाम है स्टारफायर, चौथे का नाम है रेचल, पांचवे का नाम है डूम पेट्रोल, छठे का नाम है द मैसेंजर, सातवें का नाम है जेसन टॉड, आठवें का नाम एंजेला, और नौवें का नाम है डोना ट्रॉय।
अब अगर आपने गौर किया हो तो हर जो टाइटल है वो एक नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक एपिसोड में हमें जेसन ट्रॉट देखने को मिलेगा, एक एपिसोड में हमें डोना ट्रॉय देखने को मिल सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये उन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे पहले 9 एपिसोड्स में। अब अगर आपने गौर किया तो एक एपिसोड का नाम है डूम पेट्रोल, जो कि इनकी एक अलहदा टीवी सीरीज है, जो कि बेसिकली टीन टाइटन्स का ही स्पिन ऑफ है, लेकिन वो एक अलहदा टीवी सीरीज है। तो उसमें हमें पहली दफा डूम पेट्रोल देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा आपको, सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ कि डूम पेट्रोल कौन है। आपने मार्वल के एक्समैन देखे हैं, अब मार्वल के जो एक्समैन है वो इस डूम पेट्रोल से कॉपी किए गए हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि डूम पेट्रोल कौन होंगे। अब यकीनन आपके जहन में ये होगा कि इसका ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा। अब ऐसा है कि सैन डियागो कॉमिक कॉन में हमें पता लगा है कि इसका कोई पैनल नहीं बैठ रहा जो कि बेसिकली इसका ट्रेलर रिलीज कर सके, तो मुझे उम्मीद है कि इस साल के एंड तक इसका हमें ट्रेलर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, इस दफा सैन डियागो कॉमिक कॉन में हमें यंग जस्टिस का ट्रेलर लास्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उम्मीद है कि शज़ाम का ट्रेलर भी हमें देखने को मिल जाए और एक्वामैन का भी ट्रेलर देखने को मिल जाए। तो मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकूं जो कि लाइव एक्शन सीरीज के हवाले से लोगों को पता चल चुकी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।